हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। हमेशा हम लोग स्क्वायर्स ट्राइंगल्स काउंट करते ही रहते हैं मैक्सिमम, पर स्क्वायर काउंट कैसे करते हैं ये बहुत ही कम वीडियोस भी हैं और बहुत ही कम बच्चों को आता भी है कि स्क्वायर्स कैसे काउंट करते हो। और आजकल एग्जामिनर भी थोड़ा चाले खेलने लग गया है कि हर बार उसे पता है, बच्चे सभी बच्चे ट्राइंगल्स को तो याद करके आए कैसे काउंट करते हैं, पर स्क्वायर्स रेक्टेंगल सर्कल्स को याद करने की ट्रिक याद करके नहीं आते, तो वो उसमें उलझाता है आपको। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे काउंट किए जाते हैं। तो फटाफट से जितने बच्चे नए आज पहली बार हमसे जुड़े, आज फर्स्ट है हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए प्रियल मैम रीजनिंग, क्योंकि रेगुलरली हम ऐसे आपकी शॉर्ट वीडियोज लेके आते हैं हर एक टॉपिक वाइज, जिससे कि आपका टाइम भी बहुत कम बर्बाद होता है कि 10 से 15 मिनट में आप सीख लेते हो कि कैसे काउंट करना है और प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हैं। भाई किताबें अवेलेबल बहुत सारी है, पर किताबों से समझ में नहीं आता। अगर आप समझ लोगे एक बार यहाँ से, कोई भी किताब परचेज कीजिए, कहीं से प्रैक्टिस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जितने बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के आपकी वीडियो को। तो आपका फिगर्स दे रखिए, आज हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स, किसी भी फिगर में स्क्वायर्स कैसे काउंट करते हैं। आप शुरुआत करिए, सबको दिख रहा होगा, ये बहुत आसान सी फिगर है, आराम से पता लगा सकते हो। एक, दो, तीन, चार, कितनी हो गई? चार, और एक ये बड़ा वाला पांच, कितना हो गया? पांच हो गए इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स। आसान था, सबने आसानी से कैलकुलेट भी कर लिया। अब फिगर हल्की सी बड़ी करी हमने, अब फिगर बड़ी करी, अब देखो इससे ही बड़ी आ गई, इससे ही बड़ी आ गई। अगर आप ऐसे 1 2 3 4 काउंट करोगे तो कब तक काउंट कर पाओगे? नहीं काम चलेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, ध्यान देखते हैं वो ट्रिक क्या है। इसमें रो देखना होगा और कॉलम देखना होगा। क्या देखना होगा? रो और कॉलम। रो देखो कितनी है, एक, दो, तीन, 1 2 3, तीन तो रो हैं, कॉलम 1 2 3, कॉलम भी तीन ही है, मतलब रो भी 3 कॉलम भी 3, मतलब रो और कॉलम बराबर है। जब कंडीशन ये आ जाए कि रो भी बराबर है कॉलम भी बराबर है, तो किसी एक का स्क्वायर कर दीजिए। इसको ले लेते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 1 4 और 9, कितना हो गया? 14 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे? 14 स्क्वायर्स होंगे। आप काउंट कीजिए, आपका आंसर 14 ही आएगा। आई बस समझ में, आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 और पूरा 14 ही आएगा आपका आंसर। आप कैसे भी काउंट कर सकते हैं, देखो ऐसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गया, 10 11 12 13 और एक ये पूरा 14। कैसे भी काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपका 14 ही आएगा, कैसे भी कर लीजिए। तो ये ऐसे मैनुअली काउंट करने से बेटर है, अगर आप ऐसे काउंट करेंगे जल्दी से काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए कंडीशन अपनी क्या है कि रो और कॉलम बराबर होनी चाहिए। अब आप लोग ये ट्राई कीजिए, अगली फिगर आपके सामने ये नहीं काउंट के, बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। आपको आई थिंक समझ में आ चुका हो कि नंबर ऑफ रोज कॉलम बराबर होना चाहिए, पर देखिए इसमें मैंने हल्की चालाकी करी, इसमें आपका मैंने हल्की चालाकी करी। देखिएगा कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, रो कितनी है, 1 2 3 4, रो कितनी है, 1 2 3 4, चार रोज है, कॉलम्स 3 है, रोज 4 है, मतलब कंडीशन फॉलो नहीं हुई। रो कितनी है, 4 है, कॉलम कितने है, 3 है, आर और सी बराबर नहीं है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखनी है। इसमें रो और कॉलम बराबर थे, पर इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है, कंडीशन चेंज हो गई। जब ऐसी कंडीशन है तो आप क्या करोगे, रो और कॉलम मल्टीप्लाई, 4 × 3, अब एक एक कम करो, 2 3 × 2, 2 × 1 और 1 × 0, कम करते गए, अब कितना आएगा? इससे ऊपर तो जा सकते नहीं है, कितना हो गया, 4 3 12, 6 2 और 0 तो हो गया। ठीक है, ये तो 0 ही है, 0 प्लस कीजिए 6 7 8, 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसके अंदर आएंगे, कितने हो जाएंगे, 20 स्क्वायर्स। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें स्क्वायर्स काउंट करने होते हैं तो हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, या तो रो और कॉलम बराबर होंगे उस फिगर के अंदर, या फिर रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे। जब बराबर होंगे तो हम इस टाइप से करेंगे, और जब बराबर नहीं होंगे तो हम इस टाइप से करेंगे। ये दो चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए जब भी आप फिगर काउंटिंग अंदर स्क्वायर्स को काउंट करने जाते हो, तब समझ में आया। एक और सवाल देखते हैं, ये रहा आपका, इसमें देखो 1 2 3 4 5, पांच तो आपके कॉलम है, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम 5 है, रो 3 है, क्या करेंगे,
कॉलम कितने हैं? पांच है, रो आपकी तीन है. मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 3, 4 × 2 और 3 × 1 और 2 × 0. क्या हो जाएगा? 15, 8, 3 और 0. 15, 8, 9, 10, 11, 11 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 26 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. समझ में? ये आंसर नहीं है, हाँ ये आपका सही आंसर हो जाएगा अगर आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करना हो. कितना हो जाएगा? 26 आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. समझ में आया? आपके पास कोई भी फिगर दे रखी हो कि सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स सॉरी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है या नहीं. बराबर है तो ये लगा दीजिए, बराबर नहीं है तो आप ये लगा दीजिए, आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा. अब कुछ और, ये तो है जब बेसिक फिगर दे रखी होगी. ये सब क्या है? आपकी बेसिक फिगर से कि आपको ऐसा पोर्शन दे रखा होगा और आपको निकालना होगा. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें इस टाइप की फिगर नहीं दे रखी होती लेकिन फिर भी हमें काउंट तो करना ही होता है, तो उस टाइप की फिगर्स भी देख लेते हैं कुछ. आपको हर टाइप की, देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ बेसिक सिखाना, बेसिक आप सीख चुके हो. अब ऐसा कोई भी सवाल बनता है तो आप कर पाओगे, लेकिन कभी हमेशा एग्जामिनर एक जैसा नहीं रहता. कभी कभी वो खेलता भी है हमारे साथ, खेलता है वो कि देखो अगर मैं हल्का सा चेंज करूं क्या आप समझ पाते हो उस चीज को, तो वो मैं खेल सिखाती हूँ आपको कि कैसे आपको चढ़ाएगा वो और आप घबरा जाओगे. आपको चढ़ाएगा और आप लोग घबरा जाओगे सवालों में. देखिएगा फिगर बनाती हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा इस टाइप के फिगर का जवाब हम किस टाइप से दे सकते हैं. देखो एक फिगर बना रही मैं आपके सामने, ये रही आपकी एक फिगर. सवाल को आराम से करिएगा, ठीक है, ट्राई कीजिएगा. कैसे करेंगे? ठीक है, ये रही फिगर आपकी और इस टाइप से आपको दे देगा. अब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कीजिए. अब कुछ बच्चे तो देख के घबरा जाएंगे, ऐसा कैसा हो गया, ये तो चेंज हो गया, मैडम ने सिखाया ही नहीं था, ये तो चीटिंग है. अब देखिए आप लोग ट्राई कीजिए, जब तक मैं आपके सामने दो फिगर्स और बनाती हूँ उसका भी आपको जवाब देना है. ठीक है, बताइएगा इस टाइप की फिगर जब आएगी आपके एग्जाम्स में तो आप किस टाइप से इसका जवाब दे पाओगे. ओके, क्वेश्चन एक और देती हूँ मैं आपके सामने. एक फिगर आपकी ये रही, आसान फिगर है ये भी आपकी, ये रही आपकी अगली फिगर. और एक फिगर और देती हूँ मैं आपको, एक फिगर आपकी ये रही. ठीक है, एक फिगर आपकी ये रही, इसको उठा देती हूँ. ठीक, अब क्या है आपका? ये ऐसी फिगर है. फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए तो मैं इसको डायग्राम कंप्लीट करती हूँ, तब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए. ठीक है, दो फिगर बना दिए मैंने, इन दोनों का जवाब तक आ जाना चाहिए, तब तक मैं इस फिगर को कंप्लीट करती हूँ. क्योंकि फिगर काउंटिंग में सबसे ओखा काम है फिगर को बनाना, वो भी थोड़ा ढंग से. सबसे बुरा काम है ये, फिगर को बनाना सबसे बुरा काम है बेटा. ठीक है, एक डायग्राम लाइन ये रही, एक लाइन आपकी ये रही और एक लाइन आपकी ये रही. अब शायद कंप्लीट हो चुका है, हाँ बन गया शायद, ये रहा आपके पास ये रही फिगर्स. ठीक है, फिगर्स आपके सामने ये रही. ये आपके पास तीन फिगर्स दी हैं आपके, पहली दूसरी और तीसरी. चलो बनाते हैं, सब में अलग अलग तरीका लगेगा, सब में तरीका अलग लगने वाला है. आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. जब भी आपको इस टाइप की फिगर देखे सबसे पहले तो यही करना है आपको, पांच पांच रो और कॉलम बराबर है. तो करेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर. कर दीजिए 9, 16, 25, 4 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 16, कितना होगा 50, तो यही होगा 54 हो जाएगा. कितना हो जाएगा 54, तो यही हो जाएगा 1, 2, 3. 16 और 9 25 हो गया, 25 और 25 50 हो गया, 50 और 5 55 हो गया, सॉरी 55 इसका सही हो गया. कितने हो गए 55. अब देखिए अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये चीजें एक्स्ट्रा क्या है, ये चीजें एक्स्ट्रा. देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5, पांच पांच स्क्वायर्स और बन रहे थे, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 20 और ऐड कर दिए, 5, 6, 7, 75 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा. कुछ किया हमने? कुछ नहीं किया, लॉजिक वही अप्लाई किया जो हम लोग यूज करते आते हैं. पहले इस बेसिक का बना दिया हमने, 55 आया,
फिर जो बीच में ये लगे हुए हैं इनका बना दिया, पांच इसमें है, पांच इसमें है, पांच इसमें, पांच इसमें, कितने हो गए 5 4 20, 20 प्लस 75 कितना हो गया 75, क्लियर हो गया। दूसरी फिगर देखिए, इसमें देखो 1 2 3 4 5 ये बन गया, सेम पांच इसमें बनेंगे, तो पांच इसके, पांच पीछे वाले के, 10 इसके अंदर बन गए, सिंपल कुछ था इसके अंदर नहीं था। अब इसमें देखते हैं, हर फिगर का जरूरी है ट्रिक हो ही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें हमें मैनुअली भी काउंट करनी पड़ती है। ऐसे ये फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो बिना दिक्कत किए बन गए, 10 तो बिना दिक्कत किए ही बन गए। अब बात है आगे वाली, अब बताइए कैसे बनेगा। देखो एक आपको दिख रहा है ये, एक ये रहा, दो दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, कितने हो गए 3, तो ये बन गए, प्लस का 3 हो गया मतलब 13 हो गए। क्या 13 का सही आंसर है? नहीं, एक फिगर और बन रही है, देखिए ये रही, एक ट्रायंगल और बन रहा है, ये रहा, प्लस का 1 ये हो गया, टोटल 14 ट्रायंगल्स, 14 स्क्वायर्स बनेंगे इसके अंदर, समझ में आया। तो हर फिगर का जरूरी नहीं है कि आपको बेसिक आता हो और वही ट्रिक का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, नहीं, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे हम काउंट करते हैं, मैनुअली कैसे काउंट करते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं पे आपको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा, कहीं कहीं पे आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, कहीं कहीं तो आधे में मैनुअल और आधे में आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, ऐसे बहुत से सवाल आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर स्क्वायर या वर्ग को कैसे काउंट कर पाते हैं हम लोग, फॉर्मूले के साथ भी और बिना फॉर्मूले के साथ भी, दोनों तरीके आपको मैंने समझाया कैसे आप काउंट करो। तो घबराना नहीं होता, हमेशा जब एग्जामिनर कोई सवाल देता है तो वो ये सोच के देता है कि उसने खुद ने ये सवाल कुछ सेकेंड्स में सॉल्व किया होगा तभी वो सवाल आपको दे रहा है। कभी भी एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं आता जिसको बनाने में बहुत टाइम लगे, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने इस चैनल को, प्रियल मैम रीजनिंग को, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों को शेयर कीजिएगा कि बिना कोई दिक्कत के कैसे हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ, बाय बाय, टेक केयर।